अज जलंधर के BSF कैंपस के विच हॉकी के ट्रफ का उद्घाटन करने लिए केंद्रीय मंत्री श्री अंगराल सिंह ठाकुर जो पहुंचे ने तुहानू तस्वीर दिखा यह ट्रफ है वह लगे गया जिसका उद्घाटन कर दिता गया BJP के नाल उन्होंने नाल जो है केंद्रीय मंत्री जो श्री अंगराल सिंह ठाकुर तो होर भी जो अन्नतिथि BJP के पहुंचे ने इस बारे असी जो BJP के कैंपस के है आप जानते हैं यह किन्ने का ट्रफ लगे है तो की इस खास चीज़ा लगे सर इसकी कॉस्टिंग जो ओरिजिनल ग्राउंड की आई है 5,50,00,000 है इसके अंदर एस्ट्रो टर्फ है इसके अंदर जो भी इसके कंपोनेंट्स है इंक्लूडिंग सिक्योरिटी फेंसिंग कंप्लीट प्रोजेक्ट है चेंजिंग रूम्स हैं दो और इसके साथ में रात को भी खेल सकते हैं दिन में भी खेल सकते हैं लाइट भी है और ये ग्राउंड जो हमारी है FIH से सर्टिफाइड है सर और सर हमारे SC साहब है सर ये बताएंगे बाकी साहब टोटल कितने करोड़ का जो है प्रोजेक्ट जो यहाँ पर लगा है और इसमें नाइट में जो मैच खेल सकते हैं जो पूरा जो है ट्रफ पूरी तरह कंप्लीट है हाँ ये कंप्लीट है पूरी तरह से इसमें ये 6 करोड़ का टोटल खर्चा आया है जिसमें 5.5 करोड़ जो हमें खेलो इंडिया स्कीम के तहत मिले हैं बाकी जो 50,00,000 हैं वो BSF से मिले हैं हमने इसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है फ्लड लाइट जो है BSF ने लगाई है और जैसा कि बताया गया है आपको FIH के जो भी पैरामीटर होते हैं मानदंड होते हैं उससे वो चेक करा लिया गया है और हमें जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो मिल गया है जी। अब जो कौन कौन सी टीम का मैच चल रहा है अब केंद्रीय मंत्री की तरफ से उद्घाटन भी जो है BSF कैंपस में जलंधर में किया हाँ यहाँ पर जो BSF की टीमें हैं इनको बांटा गया है आपस में और रेड और ब्लू हाँ इंटरफ्रंटियर बांटा गया है और इनका आपस में मैच चल पहली बार ट्रफ बनाया जलंधर में ये एक्चुअली BSF का तो शायद पहला है टर्फ हमने इससे पहले जो है आर्मी के लिए भी टर्फ बनाए हुए कटो स्टेडियम जो है इसमें कैंट में वो भी CPW द्वारा बनाया गया है देखिए ऐसी गलबात की गई है जिन्होंने टर्फ बनाया गया तो उत्थे जो है केंद्रीय मंत्री वालों आज BSF जलंधर के BSF कैंपस के उद्घाटन किया गया आओ असी उन्होंने भी गलबात करते हैं सर खेडों को उत्साहित करने लिए या खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने लिए सरकार क्या कर रही है भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जहां एक और बजट को 3 गुना से ज़्यादा बढ़ाया है वहीं पर बहुत सारी योजनाएं खिलाड़ियों के लिए चलाई है जिसमें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और अन्य खेलो इंडिया सेंटर्स जो 1000 सेंटर्स हम देश भर में खोल रहे हैं इसी के चलते BSF जिसका बहुत बड़ा योगदान भारत की रक्षा सुरक्षा में है वहीं पर BSF ने आज यहां पर लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से शानदार हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया है ये भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा दिया गया पैसा मैं DG साहब श्री नितिन अग्रवाल जी का और उनकी टीम का आभार प्रकट करता हूं कि समय से पहले उन्होंने इसको तैयार किया ताकि खिलाड़ियों को सुविधाएँ मिल सके BSF का बहुत बड़ा योगदान भारत की खेलों में भी है जैसे उनका सुरक्षा के क्षेत्र में भी है बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हमारे हुए जिन्होंने फौज में रहकर भी खेलों के प्रति बहुत बड़ा योगदान दिया चाहे मिल्खा सिंह जी की बात करें पान सिंह तोमर जी की बात करें अन्य अजीत पाल जी से लेकर बाकी अन्य खिलाड़ियों की बात करें इन सब का योगदान था हॉकी की बात करूं तो भारत को 3 गोल्ड मेडल मेजर ध्यानचंद जी ने तो बलबीर सिंह सीनियर जी ने 3 गोल्ड मेडल तो एक समय ऐसा था कि भारत का स्वर्णिम दौर अगर मैं कहूँ हॉकी में था और फिर एक बार 40 वर्षों के बाद अगर टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भारत की टीम जीत पाई तो अपने आप में वो सुनहरा पल 40 वर्षों के बाद आया क्योंकि मोदी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने का कार्य किया और हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया मुझे पूर्ण विश्वास है जलंधर जो खेलों की सामग्री के निर्माण के लिए भी जानी जाती है खेलों के लिए भी जानी जाती है और ये एक कैचमेंट एरिया है हॉकी के खिलाड़ियों का चाहे संसारपुर की बात करें जलंधर की बात करें अन्य क्षेत्रों की बात करें तो ये हॉकी टर्फ जो है ये ना केवल BSF के खिलाड़ियों के बल्कि इनके माध्यम से उभरते हुए खिलाड़ियों को भी यहाँ पर लाभ मिल सके वैसा हमारा प्रयास रहेगा खेलो इंडिया के तहत जो पैसा बांटती है सरकार सर खेलो इंडिया के तहत जो पैसा आप करोड़ रुपया बांट रहे हैं लेकिन वो स्टेट की तरफ से आगे बच्चों को नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा इस बार भी पंजाब में जो बच्चों को अपने जेब से पैसा खर्च करके जाना पड़ा तो वो इसका कुछ आप कर रहे हैं कि देखिए खेल एक राज्य का विषय है प्रमुखता राज्यों को ही अपनी जिम्मेदारी निभानी है भारत सरकार तो अपनी ओर से अन्य योजनाएं चलाकर जैसे मैंने कहा टॉप स्कीम जहां पे रहने खाने और ट्रेनिंग का सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है देश और विदेश का और खिलाड़ियों को 50,000 रुपया महीना जेब खर्च भी देती है जो एलीट एथलीट है यानी कि 6,00,000 रुपया साल का और जो डेवलपमेंट एथलीट है उनका भी बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग सारा खर्चा भारत सरकार करती है
और 25,000 रुपया महीना जेब खर्च अलग से देती है, यानी कि 3,00,000 रुपया साल का। इसी तरह से जो हमारे खेलो इंडिया अकेडमीज़ हैं उनमें जो खिलाड़ी खेलते हैं उनके बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग पे 5,00,000 रुपया साल का खर्च और 1,20,000 रुपये जेब खर्च अलग से देती है। तो भारत सरकार की ओर से हज़ारों खिलाड़ियों को मदद भी की जाती है, प्रशिक्षित भी किया जाता है और आगे बढ़ने के अवसर भी मिल रहे हैं। अगर किसी राज्य में कोई कमी है तो राज्यों को उसमें सुधार करना चाहिए। जी सर, हॉकी जो है नेशनल खेल है, आज तक बहुत सारे उम्दा प्लेयर निकले हैं, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते ना तो गांव से बच्चे बाहर आ पा रहे हैं। पंजाब सरकार ने भी कहा कि हम यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलेंगे, वो भी खोल नहीं पाएंगे। स्पोर्ट्स कॉलेज भी अपने पैरों पर वापस नहीं लौट पा रहे। देखिए, मैं पंजाब एक ऐसी क्षेत्र था, मैं तो यहाँ जलंधर में मेरा पढ़ाई भी हुई, मैं खेला भी। मैं इतना ही कहूँगा कि पंजाब को जाना जाता था खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, खेल सामग्री के निर्माण के लिए। अब पंजाब का नाम जो गलत चीज़ों के साथ जुड़ना शुरू हुआ है वो एक चिंता का विषय है। सरकारों को जागना भी चाहिए और कदम भी उठाने चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि जो खेल के विस्तार के लिए और प्रमोशन के लिए जो पैसा खर्च होना चाहिए उस तरह से वो प्रोग्राम्स ना नज़र आएँ तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। हमारे साथ लगते सूबे आगे निकलते चले गए। कारण क्या है? उन्होंने सुविधाएं ज़्यादा दी, चाहे वो स्टेडियम्स की बात हो, नौकरियों की बात हो या फिर टूर्नामेंट और ट्रेनिंग की बात हो। तो मुझे लगता है पंजाब में भी एक मौका है और अच्छा करना चाहिए। बीजेपी की ताकत दिखती है कि बाकी किसी में दम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सके, और जो इकट्ठी हुई है उनका अगर आप ओवरऑल सेटअप देखेंगे तो लालू जी जो जमीन के बदले जॉब, ममता जी नकद के बदले नौकरी, नीतीश कुमार जी जो 1750 करोड़ रुपये का पुल एक बार नहीं दो बार ढह गया, भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित हुए, उनके अपने सांसद के बेटे को हजारों करोड़ रुपये का एम्बुलेंस का ठेका देके घोटाला जो हुआ है उस देश के सामने आया है। एक किसी नेता ने 15 पार्टियों की एक दूसरे से नहीं पूछा, भाई तेरे यहाँ पे घोटाला है तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कैसे दोगे? ये तो हालत है इन सबकी। भ्रष्टाचारी चेहरे एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं और पूरी बैठक में से कुछ और नहीं निकल कर आया, एक ही बात निकल कर आई, मम्मी नाराज है, राहुल जी शादी कर लो। सॉरी, जो किसानों का आरडीए फंड निकले रुकया हुआ है केंद्र सरकार के वालों, बल्टन पार्क दी सर राज्य का विषय है, राज्य बल्टन पार्क जलंधर का बड़ा मान्या जाता सी। देखिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है ये राज्य के विषय है। सर, अगर राज्य की सरकार किसी बात पे नाकाम है तो उसमें उनको कदम उठाने चाहिए, ये राज्य की सरकारों को करने चाहिए। सरकार थी राकेश राठौर जी, तब मेयर थे, तब उसको गिरा दिया। चलिए, सब सरकारें चलती रहती हैं, इसलिए स्मार्ट सिटीज राज्य की सरकार को पैसे मिले हैं उसमें से काम करने चाहिए। आपको ये भी उठाना चाहिए कि राज्य की सरकार ने जो करोड़ों रुपये सड़कों के लिए मिले थे वो कहाँ गए? सड़कों की हालत आपके सामने पंजाब की, आप मुझे लगता है जरूर चलाते होंगे, पूछते होंगे ना मंत्री से, बिल्कुल पूछिए सवाल। तो ये देखिए, असी गलबात की गई है केंद्रीय मंत्री दे नाल, जो उन्हों का कहना है केंद्र सरकार वालों जो है अलग अलग स्पोर्ट्स दे जो है फंड जो भेजे जा रहे हैं। तो अज जलंधर दे विच केंद्रीय मंत्री उंगराल सिंह ठाकुर जो इत्थे आके BSF कैंपस दे विच 6 करोड़ के करीब जो हॉकी दे ट्रफ का उद्घाटन किया गया, जिस दे विच उन्हां दे नाल BJP दे अलग अलग जो है सीनियर लीडरशिप भी कैमरामैन देवराज दे नाल सोनू महाजन, जगबानी TV जलंधर।